अनगिनत। अब थोड़ा सा मुझको सुन लीजिए, खामोश हो जाए ना मैं खामोश हो जाऊंगा। अनगिनत फूल हैं सियादत के, लेकिन ऐसा कोई कवल नहीं मिलता। ये मैंने शेर मुतलक रखा है। खान बहादुर शफीयत के चश्मो चिराग तशरीफ रखते हैं शहजादे महबूब जिंदा, यानी शहजादगारे महबूब जिंदा इस वक्त स्टेज पे जलवावार हैं। आज के इस प्रोग्राम की सदारत और सरपरस्ती के अलावा आल इंडिया मोहम्मदी मिशन के सदर शहजादे महबूब जिंदा मुजाहिद सुन्नियत औलाद गौसे आजम हजरत सैयद शाह अय्यूब अशरफ अशरफी जिलानी के चौथा मुकदसा, और दूसरी तरफ अमीन अमानत मखदूम जिंदानी हजरत मौलाना सैयद शाह नूरानी अशरफ अशरफी जिलानी और बालागंज शाह के सदर आल इंडिया मोहम्मदी मिशन के हजरत सैयद शाह मोहम्मद अहमद मियाँ साहब जिलानी तशरीफ रखते हैं ये बुजुर्गान दीन, और आले रसूल तशरीफ रखते हैं फजीलत अहले बैत पर आपने एक शानदार तकरीर सवा की है। मेरा वो यकीन बोलता है कि आप इसे जरूर याद रखेंगे, इस पर जरूर अमल करेंगे। ये लोग कौन है मैं एक शेर में आपके हवाले करूँ, और मैं अक्सर पढ़ता भी हूँ क्योंकि मैं किचौजा में रहता भी हूँ, कि मखदूम जमाने में मेरे बेमिसाल हैं। ऐसा कह रहे हैं कि मखदूम जमाने में मेरे बेमिसाल हैं, जिसका नहीं कोई जवाब वो सवाल है। और उंगली उठाई मुखालिफों इधर तो टूट जाएगी, उंगली से चांद तोड़ दे ये उनके लाल है। इतना अच्छा शेर मैंने पढ़ दिया, आप खामोश हैं। अगर समंदर के साहिल पे पढ़ देता तो मछलियां नारा बुलंद कर देती। अब भी देखता हूँ आपके अंदर अगर मुजाहिदाना तेवर का थोड़ा सा भी जरासीम पाया जाता है तो शेर का इस्तकबाल कीजिएगा। हजरत सैयद शाह अहमद मियाँ साहब क़िबला की दावत पर मैं हाजिर हुआ हूँ, ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि ये इनाम देने पे मजबूर हो जाएंगे। और हजरत नूरानी मियाँ साहब क़िबला तो गले से लगा लेंगे कि छौछा नाम में इतना पावर है कि अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ कि जमी क्या फलक भी सजाया जाएगा। और हजरत मुफ्ती मंजूर साहब क़िबला की तकरीर पर तबसरा भी है कि जमी क्या फलक भी सजाया जाएगा, नबी का जश्न वहां भी मनाया जाएगा। और हो जिनके सरों पे गुमराहियों का भूत, उसे किछौछा बुला के जलाया जाएगा। तो जिनके सरों पे गुमराहियों का भूत, हो जिनके भाई मेरा इनाम मेरे हाथ में दिया दीजिए। मुलाजा कहें, फिर से ये शेर पढ़ रहा हूं कि जमी क्या, और हजरत शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत की फरमाइश है, ये मेरी जिंदगी इंशाल्लाह ताबनाक हो जाएगी। मुलाजा करें, और ये शेर को पढ़ने से पहले और एक इनकलाबी शेर पढ़ दूं। अब इस शेर को सुनने के बाद ये हमारे सिलसिले के लोग एक महीना तक नारा लगाते रहते हैं। मुलाजा कीजिए कि सिलसिला अशरफी हमको हबीब लगता है, आले रसूल का सिलसिला है। मुलाहिज़ा करें कि सिलसिला अशरफी हमको हबीब लगता है, खुदा तक पहुंचने का नसीब लगता है, और अहले बैत पे कीचड़ उछालने वालों तुम्हारा रिश्ता यजीद से करीब लगता है। अहले बैत पे कीचड़ उछालने वालों तुम्हारा रिश्ता यजीद से करीब लगता। फरमाइश की तकमील करते हुए ये शेर आपके जहनी दस्तरखान पर रूहानी गजा की हैसियत से कि मुलाहिजा कीजिए कि जमी क्या फलक भी सजाया जाएगा, नबी का जश्न वहां भी मनाया जाएगा। अहो जिनके सरों पे गुमराहियों का भूत, उसे किछौछा बुला के जलाया जाएगा। हो जिनके सरों पे गुमराहियों का भूत, यानी शहजादे शहजाद गाने मखदूम सिंदा तशरीफ रखे इस वक्त स्टेज पर इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत आप कर रहे हैं। हजरात अशरफी तेवर अशरफ के शहजादों के अंदर, शहजादों के चेहरों के अंदर पाया जाता है। नाम अशरफ में इतना पावर है कि मैंने एक बार कहा था कि ये मेरी मोहब्बतों का क्या सिला देने लगे,
मैंने उनसे कुर्ब मांगा, फासला देने लगे और नाम अशरफ का मेरे चेहरे पे किसने लिख दिया। भीड़ भाड़ में भी लोग रास्ता देने लगे, नाम अशरफ का मेरे चेहरे पे किसने लिख दिया। भीड़ भाड़ में भी लोग रास्ता देने लगे। बड़ी तेजी के साथ नाते रसूल पाक का हसीन गुलदस्ता लेकर आपके हवाले जनाबे जौहर सीतापुरी तशरीफ ला रहे हैं। बस ये कहते हुए हम इनका इस्तकबाल करते हैं कि मैं फकत खाक हूँ मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी, यही एक वो रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। यानी बाहर आ रहा है बज़्मे सुखनवरी साहिबे तर्ज़े नबी खुश।